इसको मैं यहाँ पे प्ले करूंगा और वॉल्यूम बटन को दोस्तों मैंने यहाँ पे फुल करके रखा हुआ है, फिर भी आप यहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं। वीडियो को मैं यहाँ पे फिर से प्ले करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्ले कर देता हूँ। जब से हाइपर ओएस का अपडेट रेडमी पोको या शोमी के डिवाइस में आया है तब से एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और वो प्रॉब्लम मिल रही है स्पीकर से रिलेटेड। अगर आपके डिवाइस में ड्यूअल स्पीकर लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि अब जो ड्यूअल स्पीकर का जो ऑडियो है वो काफ़ी लो हो चुका है, उसको फुल वॉल्यूम में भी सुनते हैं तो ऑडियो आपको काफ़ी कम आता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ऑडियो काफ़ी लो हो चुका है, तो ऑडियो को दोबारा जैसे आपका नया में आता था स्पीकर में उस हिसाब से कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको एक साउंड सुना देता हूं, उसके बाद आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि ऑडियो कितना कम आ रहा है स्पीकर में। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, इसको मैं यहां पे प्ले करूंगा और वॉल्यूम बटन को दोस्तों मैंने यहां पे फुल करके रखा हुआ है, फिर भी आप यहां पे ऑडियो सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ऑडियो यहां पे काफी कम आ रहा है, स्पीकर का जो भी आवाज है काफी यहां पे लो हो चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां से बैक हो जाना है। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो मेरे पास डिवाइस है पोको का डिवाइस है और मॉडल जो है पोको X6 है, जिसमें हाइपर ओएस का अपडेट करने के बाद दोस्तों ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर का जो साउंड है काफी कम हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो भी ऑडियो का सेटिंग है वो सबसे पहले चेक करना है, और उसके बाद जो भी स्पीकर है उसको कैसे क्लीन किया जाता है सॉफ्टवेयर से वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएं। सेटिंग वाले ऑप्शन में दोस्तों जैसे आप यहां पे जाते हैं, जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा सबसे पहले आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, अगर मीडिया का वॉल्यूम फुल नहीं है तो इसको दोस्तों आपको क्या करना है, फुल कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जो भी आप वीडियो देखिएगा, जो भी म्यूजिक सुनिएगा, उसका जो म्यूजिक का ऑडियो है वो आपको फुल सुनने को मिलेगा। उसके अलावा नीचे में जाइएगा तो आपको साइलेंट मोड का ऑप्शन मिलेगा, अगर ये ऑन किया हुआ है तो इसको आपको ऑफ करना है। साइलेंट मीडिया इन साइलेंट मोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है गेम म्यूजिक वीडियो एंड अदर एप्स, अगर इसको ऑन कर देते हैं तो कुछ म्यूजिक वीडियो और अदर एप्स में क्या होता है, जो ऑडियो होता है वो साइलेंट मोड में चला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब में कोई वीडियो प्ले करे उसमें ऑडियो ऑटोमेटिक म्यूट में चला जाता है, तो वो जो कारण होता है इसी से होता है। इसको भी आपको यहाँ पे बंद कर लेना है, साथ में डोंट डिस्टर्ब को भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ऑन किया हुआ तो इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर लेना है। सबसे पहला ये प्रोसेस आप यहाँ पे कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे में जाना है, और नीचे में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साउंड इफेक्ट का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये साउंड इफेक्ट आपका Xiaomi साउंड पे अगर क्लिक किया हुआ है तो इसमें क्या होता है कि बेस काफी ज्यादा रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो भी ऑडियो होता है उसका आवाज पूरी तरीके से यहाँ पे दब जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको Dolby Atmos वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर लेना है। उसके अलावा आपको ग्राफिक एक्लाइजर का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने पर एक्लाइजर को अगर आप काफी बढ़ा के रखते हैं तो उससे भी क्या होता है कि जो स्पीकर का जो आवाज है काफी दब जाता है, चाहे वो हेडफोन में हो या मोबाइल का स्पीकर में हो। तो आपको क्या करना है, इसको कस्टम में आपको सेट कर लेना है, या आपको पूरी तरीके से इसको एक बार आपको बैलेंस कर लेना है। बीच में आप इस प्रकार से यहां पर बैलेंस कर लीजिएगा, तो जिससे क्या होगा कि जो स्पीकर का साउंड है वो आपको सेम सुनने को मिलेगा, सिर्फ आप यहां पर अपना हेडफोन में इसको एडजस्ट करके रखिएगा। ये आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेटिंग करना है, और वो सेटिंग मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में। इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आप देखें तो तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, जिसमें कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ से बंद करना है। दूसरा ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स, इसमें क्या होता है कि दोस्तों सभी एप्लीकेशन का जो साउंड होता है वो आपको सभी में चेंज देखने मिलेगा, किसी में कम देखने मिलेगा, किसी में ज्यादा देखने मिलेगा, इसलिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको बंद करना है। और तीसरा ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल ऑडियो सोर्स का ऑप्शन, इसको भी दोस्तों आपको यहां से बंद कर लेना है। ये तीन चीज को आपको यहां पे बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद मैं आपको यहां पे दोबारा सुना लेता हूं कि यहां पे स्पीकर का आवाज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो चलिए फिर से मैं उसको प्ले करके आपको दिखा देता हूं।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर की आवाज़ तो बढ़ गई है, और भी अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है, मान लीजिए अगर स्पीकर गंदा हो गया या डस्ट आ गया है या और भी स्पीकर का आवाज़ आपको यहाँ पे सेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर से यहाँ पे बैक होना है। और बैक होने के बाद इस बार आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, देन उसके बाद आपको एडिशन सेटिंग में जाना है, देन उसके बाद आपको एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है, देन हियरिंग वाले ऑप्शन में जाए। हियरिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपका जो भी स्पीकर है, लेफ्ट है राइट है, वो आपको देखने मिलेगा। अगर ये सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया हुआ है, लेफ्ट साइड में ज्यादा एडजस्ट किया हुआ रहेगा तो लेफ्ट का स्पीकर में आवाज आएगा, राइट में नहीं आएगा, और राइट में अगर करके रखिएगा तो राइट स्पीकर में आवाज आएगा, लेफ्ट में नहीं आएगा। तो इसको क्या करना, आपको मिडिल में सेट कर लेना है। और साथ में अगर आप यहाँ पे मोनो ऑडियो को अगर ऑन करके रखे हुए तो इसको आपको यहाँ पे बंद कर लेना है, डॉल्बी एटमॉस ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। मोनो ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस दोस्तों आपको यहाँ पे ऑन नहीं होगा, वो दोस्तों आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, मोनो ऑडियो को बंद कर लेना है, तो डॉल्बी एटमॉस में आपको अच्छा यहाँ पे साउंड देखने को मिलेगा, ये सेटिंग आपको कर लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो स्पीकर है, अगर स्पीकर में डस्ट जमा हो गया है उसको क्लीन करने के लिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है एक्टिविटी लॉन्चर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्टिविटी लॉन्चर। जैसे सर्च कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा, और इसी से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लियर स्पीकर को यहाँ पे ऑन करना है। तो कैसा देखने को मिलता है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें पुराना डिवाइस में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ, तो देन सेटिंग वाले ऑप्शन में जाऊंगा तो एडिशन सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर स्पीकर वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलता है। तो इसी सेटिंग को आपको मैं ऑन करके दिखाने वाला हूँ, इससे आप यहाँ पे स्पीकर के साउंड को बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने बाद जो भी एप्लीकेशन है वो दोस्तों यहाँ पे रन करना चालू कर देगा। तो आपको क्या करना है, कुछ देर यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे रन करेंगे, और वो एप्लीकेशन का जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है, हिडन सेटिंग है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस सेटिंग यहाँ पे आ चुका है। देन सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है क्लियर स्पीकर। आप यहाँ पे क्लियर स्पीकर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करें, स्पीकर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पीकर लिखूंगा, और स्पीकर लिखने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है सेटिंग स्पीकर सेटिंग एक्टिविटी, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये क्लियर स्पीकर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको शॉर्टकट में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, थ्री डॉट में जाना है, देन आपको क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको शॉर्टकट में ऐड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपका यह पे ऐड नहीं हो रहा है तो क्या करना है, जो एक्टिविटी लॉन्चर देख मेरा इस पर आपको टैप करना है, इन्फॉर्मेशन में जाना है, और इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद अदर परमिशन वाले ऑप्शन में जाना है, और होम स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा, इसको दोस्तों आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो ऑन करने के बाद ये शॉर्टकट दोस्तों आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली क्या करें, इस पर दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये क्लियर स्पीकर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है प्ले एट 30 सेकेंड ऑडियो टू क्लीन द स्पीकर, यूज दिस फीचर मल्टीपल टाइम इन रो फॉर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रीम। तो आपको 3 से 4 बार इसको आपको यहाँ पे यूज करना है। सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन गॉट इट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना, और टैप करने के बाद ये साउंड आपको सुनने को मिलेगा। अब आपको क्लीन कैसे करना है, तो क्लीन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये साउंड बजना चालू होगा तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी डस्ट है उसको आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो फर्स्ट 2 बार में आपको इस प्रकार से यहाँ पे क्लीन कर लेना है, और 3रे बार में आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों आप इसको प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद आपको इस प्रकार का कोई भी ब्रश लेना है, और यहाँ पे स्पीकर के बीच पे इस प्रकार से जो भी डस्ट है वो आपको यहाँ पे निकाल लेना है। ये आगे पीछे करके इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो जो दोस्तों जो भी डस्ट यहाँ पे जमा रहेगा वो डस्ट आपका यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। और ये क्लीन होने के बाद अब मैं आपको दोबारा फिर से सुना देता हूँ कि ऑडियो की क्वालिटी यहाँ पे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो चलिए उसी वीडियो को मैं यहाँ पे फिर से प्ले करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्ले कर देता हूँ।